Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be understanding the concept of logarithmic differentiation. So let's understand कि कुछ हमारे पास ऐसे questions होते हैं जिसमें हमें log लेना पड़ता है, तो वो समझते हैं हम कि कैसे होगा. So before starting, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये logarithmic differentiation का concept जो होता है, ये हम कब use करते हैं. तो पहला topic जब हम पढ़ने वाले हैं वो है when to use, कि हम इस लोगैरिथमिक कंसेप्ट का लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कब करते हैं. तो बेसिकली ये ना दो सिचुएशंस में यूज होता है. पहली सिचुएशन होती है जब हमें गिवन होता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल. फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो जैसे कि हमें कुछ फंक्शन गिवन है साइन एक्स की पावर एक्स और वी हैव बीन गिवन एक्स की पावर टेन एक्स. सो ऐसे ऐसे जो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, तो उस केसेस में उन सिचुएशंस में हम बेसिकली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. एक और सिचुएशन होती है हमारे पास जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, वो होता है कि जब हमें कुछ फंक्शंस गिवन होते हैं, जैसे कि फंक्शन एक गिवन है हमें जिसकी पावर है जैसे एन वन, एक हमारे पास दूसरा साथ में फंक्शन गिवन है जिसकी पावर है लेट्स से एन टू. ऐसे ही हमने फ्रैक्शन में ले लिया कि हमारे पास एक और थर्ड फ्रैक्शन गिवन है डिनोमिनेटर में जिसकी पावर है के वन. ऐसे कुछ फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास जब गिवन होते हैं, उन केसेस पे भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. इसमें आप एक एग्जांपल कंसिडर कर लो, जैसे कि हमारे पास एक ऐसे फंक्शन गिवन है अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री. अगर एक ऐसे फंक्शन गिवन है जिसमें हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, उस केसेस में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे. तो आप समझ गए हो कि किन किन केसेस में हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज, हम लॉगरिथमिक कंसेप्ट का यूज कैसे करेंगे. तो सेकेंड टॉपिक है हाउ टू यूज इट. तो जस्ट फॉर जर्नल हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होता है वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स. हमें उस फंक्शन का, जैसे कि कोई भी फंक्शन हमने बताया ऊपर, उनका कोई भी ऐसे एक हमारे पास फंक्शन गिवन होगा जिसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है. तो हमें कैसे यूज करना होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड्स पे लॉग लेना है. तो हमारा पहला यूज होता है कि टेक लॉग बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड्स लॉग लेना है. तो क्या आएगा हमारा फंक्शन, हमारा फंक्शन हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग फंक्शन ऑफ एक्स. तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा. उसके बाद क्या करना होता है कि हमें इसके बाद क्या करना है, जब हमने लॉग ले लिया हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या फाइन करने के लिए, dy बाय dx को फाइन करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होता है. तो जब आप लॉग ले रहे होते हैं बोथ साइड्स, तो आपको ना एक चीज याद रखनी है, लॉग लेते हुए बोथ साइड हमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, वो याद रखनी है. लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है और कुछ लॉग प्रॉपर्टीज मैं लिख देती हूँ जो हमारी इस कॉन्सेप्ट्स में यूज होंगी इन क्वेश्चंस में, वही आपको याद रखनी है. और उसके अलावा कुछ होंगी तो मैं बाद में क्वेश्चंस में बता दूंगी, लेकिन जर्नल तीन हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज होती है जो हमें याद रखनी है. क्या, पहली लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लॉग एम की पावर एन. अगर हमारे पास ऐसे गिवन होता है कि लॉग एम की पावर एन, आपने प्रीवियस क्लासेस 11, 10, 9th में पढ़ा होगा कि कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज. तो क्या होता है, जब लॉग एन की पावर एन गिवन होता है तो हम एन को लॉग के बाहर ले लेते हैं, तो हम इसको एन लॉग एम लिख सकते हैं. एक लॉग प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास, ठीक है. दूसरी लॉग प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास गिवन होता है लॉग एम एन, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, हम लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, ये एक हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है. एंड तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लॉग एम बाय एन, एक ऐसे होती है. तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम सिंपली दोनों का इंडिविजुअल लॉग निकाल के उसको माइनस कर लेते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन. तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये तीन प्रॉपर्टीज का यूज होगा हमारा एक्सप्रेशंस को, फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए. तो अब आप समझ गए हो कि हमें कब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट का यूज करना होता है और कैसे करना होता है. तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए. तो हम पहला लेते हैं, ओके हम पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट लॉग एक्स की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है लेट y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। हमने इसको y ले लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए पता चलो हमें dy बाय dx फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमें लॉग लेना होता है बोथ साइड। तो लॉग ले लो, टेक लॉग बोथ साइड, तो क्या हुआ लॉग y इज इक्वल टू लॉग लॉग x की पावर x, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिख दो लॉग y, अब प्रॉपर्टी लगा दो लॉग की, क्या मैंने बताया लॉग m, n क्या होता है लॉग m की पावर n, n लॉग m, तो हम x को बाहर ले लेंगे, x लॉग लॉग x, तो ये आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, अब सिंपली हमारे पास प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको क्या करते हैं, हम ना इसको लेते हैं u और इसको लेते हैं v, ठीक है, सॉल्व करने के लिए ये दो हम अलग से एक्सप्रेशंस लेते हैं। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लो, log y का क्या हुआ बताओ, log y का क्या डिफ्रेंशिएशन हुआ, 1 बाय y, और y का भी x के रिस्पेक्ट में होगा तो हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है, क्योंकि हम x के टर्म में करना है। अब हमने इसको u v लिया, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, सबसे पहले पहले का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, तो 1 इंटू log v एक्सप्रेशन एज इट इज log इंटू log x, प्लस u एज इट इज रखो x, और v का डिफ्रेंशिएशन कर दो, v का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, log log x का हुआ 1 बाय log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन हुआ इज 1 बाय x, तो x से x कैंसिल हो गया, लिख दो dy बाय dx 1 बाय y, सॉरी dy बाय dx इज इक्वल टू log log x प्लस 1 बाय log x, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब y को हम इधर ले जाएंगे RHS में, तो क्या आया हमारा dy बाय dx, dy बाय dx इज y log log x, हम इसको मल्टीप्लाई LCM ले लेते हैं, प्लस 1 LCM ले लेते हैं log x, तो यहां पे क्या आएगा log x से मल्टीप्लाई होगा log x, ठीक है। अब y को लिख दो dy बाय dx, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी log x की पावर x, तो लिख दो सीधा y की जगह log x की पावर x लिख दो, log x की पावर x इंटू log x इंटू log x या log log x प्लस 1 अपॉन log x, ठीक है। log x जो है आपका log x है, और यहां पे भी log x है, तो यहां पे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा ये माइनस 1 हो जाएगा, और यहां पे x है, तो कर दो dy बाय dx, तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा 1 होगा माइनस 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 लिख दो, log x की पावर x माइनस 1 log x इंटू log log x प्लस 1, सो ये आपका dy बाय dx आ गया। अभी मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया कि एक एक स्टेप में आपको अच्छे से समझा दूं, जब आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजीली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि बेटर आपको और अच्छे से समझ आ जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें डिफ्रेंशिएट करना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं इस एक्सप्रेशन को कुछ, लेट जैसे हमने वाई किया, लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये ले लिया हमने। अब ले लो सबसे पहला स्टेप, टेक लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स लिए तो क्या आया लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको लिख दो log y इज इक्वल टू log, जब आप अंडर रूट ले रहे हो तो आपको समझ आ रहा है ना, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो यहां से अगर हम हटाएं इसको, इसको हम ऐसे एज ए हाफ भी लिख सकते हैं, तो क्या करना है log m n हो गया, तो log m की पावर n क्या होता है n log m, हाफ को यहां ले आओ, हाफ log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगा दो, कोई देखो कोई log की प्रॉपर्टी लग रही है, और सिंप्लीफाई हो सकता है, येस कैसे हो सकता है, log m इंटू n है अपॉन b है हमारा, देखो मैंने आपको भी यहां प्रॉपर्टी बताई कि log m इंटू n होते तो log m प्लस log n लिख सकते हैं, और log m बाय n होते तो log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो ये देखो आप, जब आपके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है वो हमेशा माइनस होगी, और जो प्रोडक्ट हो रहा है उसकी प्लस होगी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ना, हाफ लिख दो log x माइनस 1
प्लस लॉग एक्स माइनस टू, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस थ्री तो माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री। ये हमारा प्रॉपर्टी से, लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई हुआ। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ले लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब बताओ लॉग वाई का डिफरेंशिएशन इज वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई का भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ हाफ कर दो। अब लॉग एक्स माइनस वन का क्या हुआ, वन पॉन एक्स माइनस वन, और x का डिफरेंशिएशन इज 1 और 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1 तो 1 ही रहा। प्लस सिमिलरली 1 अपॉन x माइनस 2, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और 2 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 ही रहा। माइनस लॉग x माइनस 3 का हुआ 1 अपॉन x माइनस 3 और यहाँ पे भी 1, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब dy वाई बाई डी एक्स, वाई को ऊपर ले जाओ, वाई इंटू हाफ 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब वाई की जगह पुट कर दो, क्या था वाई की वैल्यू, एक्सप्रेशन वाली ये थी ना, पुट कर दो तो क्या आया आपका, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू हाफ वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ये आपका हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये आपका dy बाई डी एक्स आया उस इक्वेशन का। सो अब आप समझ सकते हो कि कितना ईजी है, बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं कि हमें क्या क्या करना है, पहले लॉग लेना है और फिर डिफ्रेंशिएट करना है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड जो लास्ट ईयर आए हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भी नहीं बता पाई, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, उसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगी इसके जो हमारे बोर्ड में आते हैं। So I hope this video is clear to you. Please don't forget to subscribe to the channel in case you haven't done it yet and like the video. And the most important part, in case you have any query related to this topic, please write down in the comment section. Thank you.